नमस्कार, स्वागत आपका। मैं संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए भरत कुमार साहू सर हैं, जो कि जदयू व्यवसाय प्रकोष्ठ के जिला प्रधान महासचिव हैं। इनसे जानेंगे कि हिलसा में चर्चा का विषय है फिलहाल कि प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर, क्या कहेंगे सर? संतोष पार्थ जी, सबसे पहले मैं हिलसा नगर परिषद के उपस्थित सभी जनतागण को जो मेरी बात सुन रहे हों, मैं उनको शुभकामनाएँ देता हूँ और ख़ास करके आपको धन्यवाद देता हूँ जो आज हिलसा में जो ये मुद्दा बन करके आप लोगों के बीच में आया है। आप जो है हमसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार का जो भी सरकार के अंदर किसी भी मैटर पे, चाहे जन वितरण हो, कार्यालय ऑफिस की बात हो या बिजली की बात, जिसमें लोग चोरी करते थे, चाहे वो प्रशासनिक हो या वो जनता हो, बिजली चोरी में जनता का भी कहीं ना कहीं हाथ रहता था, व्यवसाय वर्गों का हाथ रहता था। जो गरीब लोग होते थे वो जेन्युइन बिल दे देते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जिस समय इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर नहीं थे, ऐसे ही मीटर थे, लोग कहीं ना कहीं से बाईपास का काम करते थे। और बिजली जो है वो देश हित और राज हित के लिए सर्वोपरि, एक सरकार इसमें घाटे में थी, और ख़ास करके वैसे लोग, व्यवसाय करने वाले लोग जो खास करके कुछ इससे अपनी बेनिफिट का फ़ायदा लेते थे, और जिसके चलते हिलसा में, मैं विगत 25 साल से इस बिजली क्षेत्र में कार्य किया हूँ, लगभग जो है तार जर्जर रहते थे, ट्रांसफार्मर जर्जर रहती थी, जिनकी हालात इतनी ख़राब रहते थे, जिसको सही सलामत जनता के बीच में भरपाई नहीं की जा सकती थी। आज की हालत बेहतर है, सरकार जो भी काम किया है बेहतर किया है। प्रीपेड जो बात है, सिर्फ इतने फर्क है कि कुछ पैसे पहले देने हैं, है ना। उम्मीद है कि कई संगठन आंदोलन कर रहे हैं कि नहीं लगना चाहिए, गरीबों के हित में नहीं है। संगठन की जो कार्य है वो जनता के लेकर के कुछ आंदोलन कर रहे हैं, उनकी सोच है, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ आंदोलन नहीं होगा, इस पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है, चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है। जो कल के डेट में पब्लिक को बेहतर सेवा बिजली का नहीं मिलता था, वो दिन भी मैंने देखा है। हिलसा में बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं जिसमें आप भी सम्मिलित थे, आपने देखा होगा कि बिजली की तार गिरती थी, जर्जर रहती थी, ट्रांसफार्मर खराब होते थे तो 3 महीने में लगते थे, आज वो स्थिति नहीं है। बिजली सब घर के लिए ज़रूरी है, बिजली जो जेन्युइन बिल होता है वो जेन्युइन बिल सरकार के खाते में जानी चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। कुछ व्यवसाय लोग जो इसको नाजायज फ़ायदा उठाते थे, उन भ्रष्टाचार करने वाले जनता को थोड़ा सा सचेत किया गया है, व्यवसाय को सचेत किया गया है कि सरकार के हित में जो भी बिल है सही सलामत आप पेट कीजिए। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें थोड़ा सा बिल पहले जमा करना है, ताकि आप भी अपने आप कैपेसिटी बांध लीजिए कि मैंने जो बिल जमा किया है तो कम से कम हम इसको लिमिटेशन से खर्च करें। जो बेफजूल खर्च करते थे, हम तो उम्मीद जताते हैं कि अगर लिमिटेशन की बात होगी, सभी की घर दिन में जो लाइट की जहां आवश्यकता नहीं है, बल्ब क्लोज होंगे और वो बिजली बचेगी, जो हमारे देश और राज्य के हित के लिए फ़ायदेमंद होगा, व्यवसाय लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा। सही सलामत बिजली आएगी तो हिलसा नगर परिषद क्या पूरे स्टेट जो राज्य है, हर गली चौक चौराहे सही सलामत चकाचक होंगे। रह गई गरीबों की बात, जो कि आपने क्वेश्चन ही किया कि गरीबों को कुछ इसमें राहत होनी चाहिए, तो मैं भी पार्टी के ख्याल से सरकार से थोड़ा सा निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से कुछ स्टेट हैं जिसमें अगर कुछ गरीबों के लिए हित में बिजली पर काम किया है, तो मैं निवेदन करता हूँ एक कार्यकर्ता के नाते कि कुछ गरीबों को ख्याल रखते हुए कुछ यूनिट की राहत दी जाए। तो कहीं ये चुनावी एजेंडा तो नहीं है कि लोग, नगर परिषद चुनाव है उसको मूवमेंट लेकर लोग आंदोलन? देखिए, नगर परिषद की चुनाव जहाँ तक की बात है, कोई भी उम्मीदवार आ सकते हैं, ओपनली उम्मीदवार तो मैं नहीं हूँ, लेकिन अगर कुछ लोग कार्यक्रम कर रहे हैं ओपनली है, तो उनकी क्या सोच है वो सोच सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग बरसाती व्यंग भी हैं जो कि चुनाव का फायदा सिर्फ आए, मूवमेंट बनाए और चल दिए। काम सटीक और ज़मीन पे होना चाहिए, इसको भी जनता का ख्याल रखने की ज़रूरत है।